बोल के बोला ना, मुझे जोश उठा पूरा। दिन के ऐसे यूज़ी करेंगे हॉस्पिटल जाओ कभी। मैं तो इंसान ढीक लोग का जो घर का सिटिंग रूम है ना उसका ना दिए देते दिन बनाया था ना उससे भी बनता था। अच्छा ऐसे के लिए पूरा आकृति आकृति भी नहीं के लिए बाहर निकालो इतना पार रास्ती है भाई पूरा पानी बाय। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के 10 बजे शायद और नस्ता वस्ता करके हम लोग जा रहे हैं मामी के यहाँ टीका लगाने, मतलब बीवी टीका टीका लगाएंगे। चावल का टीका नहीं लगाना होता है ना, टीका सेलिब्रेट करना ही नहीं होता, बट एक मतलब फेस्टिवल के फॉर्म में बीवी टी लगाएंगे, जो साई बाबा का टीका होता है वो लगाएंगे, एक फेस्टिवल के फॉर्म में लगाएंगे। तो हाँ जी भाई आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। फिलहाल मौसम कुछ ऐसा रखा है, मैं बड़ी मम्मा भाई और बड़े पापा जा रहे हैं। देखो भाई कल बारिश हुआ था ना रात को, तो ये देखो भाई पूरा पानी पानी कीचड़ कीचड़ हो गया है। और कल वाला व्लॉग पता नहीं भाई एक्सपोर्टिंग में दिक्कत दिख रहा, अपलोड एक्सपोर्ट करती हूँ भी तो ब्लैक स्क्रीन दिखा देता है भाई। अभी तो कल का व्लॉग अपलोड हुआ नहीं है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज कर दूँ मैं ये व्लॉग के साथ। ये गाइस कीचड़ ही कीचड़ है, कीचड़ कीचड़ बाबा। ये देखो पूरा पानी पानी हो गया रे कल बारिश की वजह से। कल बारिश आने की वजह से ये देखो भाई कीचड़ ही कीचड़ हो गया पूरा पानी। बाय सोच इधर पे इतना पानी पानी है तो उधर नदी साइड में क्या हाल है, नदी तो एकदम भर गया होगा फुल। नहीं नहीं उधर उधर जो नदी है ना उधर से एकदम भर गया। इसको तो ना नदी ना नदी में ले जाके बैठा दो बस, ठंडा पीस होता है सब पीस। ये बोल रहा था दीदी मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये इसको ना बाहर निकालना इतना टास्क है भाई। इसको बस मोबाइल थमा दो, दिन भर खेलता रहता है बाहर ही नहीं निकलता। बाहर निकलो थोड़ा एक्टिविटी करो तो इंसान बिजी होता है। ये मोबाइल क्या है, कुछ भी नहीं है। मोबाइल कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ, बहुत कुछ एक्सेप्ट, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस फैक्ट को, बट आई एक्सेप्ट इट। सो गाइस देखो ये लड़का बोल रहा था मैं नहीं आऊंगा, रानी के बाद खा रहा है। हे भगवान क्या क्या खा रहा है, मौसमी मौसम भी बढ़िया है, मौसम ही खा रहा है तू। वाह ऑरेंज का सस्ता भाई, ऑरेंज का सस्ता भाई, नाम भी दे। कैसा है भाई, अच्छा मेरे को ना गाइस मौसम में खाना नहीं होता है, क्या बोलते कोल्ड ड्रिंक का करना इसलिए। सर कुछ कहना है क्या, बगटे यहाँ पता है तो इंग्लिश में होता है, मुझे क्या पता आज का तो मस्ती हो गया। ये भी खा तो सब खा, हेल्दी हो जा। क्यों चिल्ला रही हो तुम, कितना चिल्लाती है गाइस बड़ी मम्मा ना कानी पड़ जाता है। क्या हुआ था वो दिन, क्या सड़ने वाला था, क्या भी नहीं खाना तो सड़ने वाला था। तो मम्मी ने भी बोला खाओ ना, कोई बोल के बोला ना, मुझे जोश उठा पूरा उठा। अकेले काटा तूने, अकेले काटा, हे भगवान काट के खा के मम्मी को भी आधा दिया, मम्मी को टेस्टी लगा। अच्छा है भाई, अच्छा दिन बनाया था ना उससे भी बढ़िया था। अच्छा इससे क्या अच्छा
तिमी लाउँदैन टिका गाइस। अब मैं दिखाने वाली हूँ आप सबको मामी लोग का जो घर का सिटिंग रूम है ना, उसका ना टूर थोड़ा सा दे देते हैं। यहाँ देखो भाई क्या मस्त एस्थेटिक है, अभी ये ड्रीम कैचर लगाया है, इतना बढ़िया है ना। मैं सोच रही हूँ मेरे मेरा जब ड्रीम हाउस बनेगा ऐसे ही कुछ मैं डेकोर करूँगी। वाओ कितना अच्छा से डेकोरेट कर रहा है ना पूरा सिटिंग रूम, ये एस्थेटिक विंटेज। ये देखो मैं दिखाती हूँ लोगों, ये देखो विंटेज जैसा पूरा विंटेज थीम का रहा है। ये देखो इतना बढ़िया है ना ये, और ये शायद भाई ने बनाए, क्रिएटिविटी देखो भाई। वाओ नाइस, कितना बढ़िया। ये देखो भाई कॉफ़ी के वो जो बॉटल होता है ना उसमें करा है, इतना क्रिएटिव माइंड। अच्छा भाई का क्रिएटिव माइंड ही है। और ये देखो अवार्ड, सारे अवार्ड्स जो मतलब मामी मामी के दो बेट मतलब एक बेटा और एक बेटी, एक बड़ी बेटी, तो शायद ये सारे शायद मामी ने ही जीते हैं। ये गॉडविन स्कूल का ही है, तो गॉडविन स्कूल में पढ़ाती है मामी जी। और ये देखिए बहुत अच्छा अच्छा भाई, ये अच्छा है यार, एस्थेटिक विंटेज वाइब्स। मेरे को ना अपने घर में ऐसे ही कुछ इंटीरियर में मेरे को ये इंक्लूड करना है, ये ड्रीम कैचर। और यहाँ पे देखो भाई मस्त है साईं बाबा। और ये इधर ट्यूलिप का फ्लावर वास भी है, ऑब्वियसली ये नकली ट्यूलिप है, असली ट्यूलिप का तो भाई अलग ही है। इधर भी रखे हैं ट्यूलिप्स, नकली ट्यूलिप्स जस्ट फॉर शोकेस। मेरे को ना ये आँख हट ही नहीं रही है। ओ ये ना ड्रीम कैचर ना, ये बुरी नज़र वाला, अच्छा नाइस। जो बुरी नज़र से बचता है वी लाई बोलते हैं ना जिसे, वो हाँ अच्छा अभी नज़दीक से देखा तो ये वाला है। हाँ आई लाइक दिस वन ऑल्सो। क्या वाला है और बाहर देखो कुछ ऐसा प्लांट्स भरे है भाई, ये ऐसा कुछ है बाहर से ऐसा दिखता है घर, ठीक है। और हम लोग का मामी का घर ना दो तला का है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट भी किया अच्छे से। तुम लोग को टूर तो मिल गया उसका, ये क्या कर रहा भाई तू तो? ये इंसान आने नहीं वाला था, देखो आके कितना मस्ती किया है ना, घर में बैठ के तो बोर ही होना था वैसे। आराम से नहीं, आराम से हाथ में मोबाइल होता वो बोलना, सीधा पॉइंट पे आना। सो अंजू गाइस टीका लगा लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। सो गाइस अभी 1 बज रहे और वहाँ से आने के बाद, मामी के घर से आने के बाद मैं नहा धो के मतलब मैं नहाने घुस गई थी इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी जस्ट नहा के आई हूँ, स्किन केयर वगैरह सब कर लिया। और ये सर जो है गेम खेल रही है, हमेशा टैब पे खेल रहा था और फिर बड़ी मम्मा का मोबाइल लेके बैठे दोस्तों। टैब फिर रहने दे, इसका तो टैब खोलने में भी 1-2 घंटे ही लगता है रे, कभी कभी ऑफ नहीं होता। मम्मी बोल रही थी क्या गेम है ये, मम्मी का ये वो जो मॉम का फोन में हमेशा खेलता हो वही तो गेम क्या है हाँ? nebula.com .com नहीं nebula। अच्छा एक चीज़ अच्छा हुआ आज का दिन का कि जो दोनों ब्लॉग्स पेंडिंग थे अपलोड होने थे वो अपलोड हो भी गए। एंड ये मिनी ब्लॉग जो चैलेंज मैंने लिया था ना उसको थोड़ा सा गैप करते हैं अभी, क्योंकि काफ़ी महीनों हफ्तों से मैं ये चैलेंज कर रही हूँ तो थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। उसके बाद दूसरा वाला चैलेंज सीरीज मैं स्टार्ट करूँगी। लंच उंच करके हम लोग ऐसे ही लेटे पड़े
भाई मोबाइल चला रहा है जो कि इसका काम है, हर दिन करता है। और अभी खाना वाना खा के मेरे को एक दवाई खाना है काढ़ा जो मम्मी ने बनाया है। चलो खा के मस्त से सो जाते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी बारिश वाला हो गया है। मुझे लगता है बारिश आएगा आज शाम को, तो जो मम्मी ने बनाया ना काढ़ा वो खा लेते हैं, पी लेते हैं। सॉरी गर्म है, गर्म ही सच में गर्म ही। ये है देखो ना काढ़ा, इसको अभी सर्व करेंगे, खाएंगे पियेंगे। सॉरी वैसे जो टी शर्ट तुम देखे वेंडर से लाई थी मैं जब ट्रिप से हम घर वापस आए थे, ठीक है, भैया के लिए लाई थी बट भैया को पसंद भी नहीं आया तो मैंने पहनना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला तू ही पहन ले भाई, वेस्टेज नहीं जाएगा। मम्मी ने इधर ही रख रहे थे, मैंने नहीं देखा और किचन में घुस गए। गरम है, ये खाएंगे और मस्त से सो जाएंगे और आराम से 5:30 बजे उठेंगे। और कल से मैं मॉर्निंग वॉक जाऊंगी, मॉर्निंग वॉक से ही ठीक होगा मेरा जो खांसी का है ना गोल्डन कप। मम्मी बोल रही हॉस्पिटल जाके दिखा दे। भाई कितने दिन तक हॉस्पिटल जाएंगे, कितने दिन तक हॉस्पिटल की चक्कर काटेंगी, चाहे छोटा छोटा बीमारी चाहिए, छोटा ही बीमारी है गोल्डन कप तो भाई रह लेना। योगा से भी ठीक हो सकता है और मॉर्निंग वॉक से भी, तो मैं कल से स्टार्ट करूँगी योगा और छोटे छोटे चीज़ों में पैसा खर्च करने में ना ये इन लोग को बड़ा वो होता है, जो चीज़ चाहिए होती है उसमें खर्च नहीं करेंगे, तो नहीं चाहिए होता ना छोटी छोटी चीज़ में। कुछ दिन से मैं ना वर्कआउट कर रही थी, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। ऐसे तो मेरा अभी थोड़ा सा वेट लूज होने के बाद थोड़ा सा फिट भी हूँ मैं, अंदर से भी लग रहा है कि फिट हुआ मैं, ठीक है। और प्लस पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, जनवरी में एग्ज़ाम में पता नहीं क्या होगा, बट मेरे से जितना हो पाएगा मैं ये पूजा हॉलीडेज अभी तो बचे और तो कल से सारा चीज़ शेड्यूल करके आराम से हम डे प्लान करेंगे और कल से एकदम अच्छा लाइफस्टाइल हम स्टार्ट करेंगे। बहुत हो गया बीमारी, अब नहीं सोचना है बीमारी के बारे में, अपने आप को ठीक करने में लगाना है। तो कल से मॉर्निंग वॉक शुरू। मैंने जस्ट खाना पी लिया है, अभी मैं जाऊंगी तो हमने ये थोड़ा बर्तन क्लीनर से यूज करेंगे ताकि हमें दांत ना सुनना पड़े। मम्मी लोग ऐसे ही गपशप मार के बैठे हैं, पापा मम्मी दादी और बड़ी मम्मा और मैं और छुटकू अब सोएंगे, भाई भी सोएगा। सब लाइट्स बंद कर देते, फैन बंद कर देते और चलते हैं। सोनी सोनी क्या निकाल भाई लाइट कितने का। मच लेटर 5:20 हो गए रेस्ट में, सो कर के उठी और हम लोग अब जा रहे भाई और मैं इसे वॉक करने के लिए बाहर। हाँ लंबा वॉक करेंगे। और ये देखो गार्डन में पता नहीं माँ बेटे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें ऐसे बाहर को रहा उछला वॉक कर, पापा वो थोड़ा खोद रहे हैं और दादी देखो थोड़ा चंगी हो गए आ गए गार्डन में काम करने। बोलती हूँ कि झुको मत तो ताकि ना अगर नहीं झुकेंगे ना वो तो बैक पेन थोड़ा सा उनका कम होगा, अगर झुक जाएंगे ऐसे तो बढ़ जाएगा पेन। बोलती सुनती नहीं है। मस्त नींद आ रहे और दोपहर को ना एक अच्छा मूवी देखा मैंने नेटफ्लिक्स पे, सी टी आर एल बोल के एक मूवी निकला है अनन्या पांडे, और उसमें बहुत सारे वो भी हैं क्या बोलते हैं कैरेक्टर्स अच्छे हैं, मतलब साइबर क्राइम या फिर डिजिटल इंटरनेट के बारे में आजकल जो एआई से जो चीज़ें चल रही है ना, एआई से एकदम दुनिया ख़राब कर देता है एआई, तो उसके बारे में तुम लोग देखना भाई मज़ेदार है। चलो आज की शाम मेरे भाई के नाम पे, ओहो हंस ले भाई, थोड़ा सीरियस रहता है भाई हमेशा। और ये देखो
क्या मस्त व्यू, इवनिंग का व्यू। आई कल सुबह भी आई यहाँ मॉर्निंग वॉक। तुझे ना गाइस ये बोल रहा था कि उधर साइड एक नदी है ना तो दिखाने के लिए रात को, मुझे भी मतलब मुझे डर नहीं लगता, इसके लिए डर लगता क्योंकि उधर जाने भी नहीं देते ना लोग अंधेरा होने के बाद। तो कल सुबह देखने चलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है भाई पूरा भर्ती हो गया क्योंकि ना बारिश आया था ना कल रात को, इसलिए शायद नदी ही भरी हो गई। मुझे भी जाने का मन दिल कर रहा है पर अंधेरा है ना, नहीं जा सकते। और ना भाई मम्मी और पापा ने इतना आज फोर्स किया ना, हॉस्पिटल जा हॉस्पिटल जा करके। मैं तो हूँ इंसान ढीठ, मैं नहीं जाने वाली भाई, कोई भी मुझे कुछ भी बोले मैं नहीं जाऊँगी भाई। क्या नहीं नहीं जाऊँगी भाई, नहीं जाऊँगी मैं हॉस्पिटल। क्यों हॉस्पिटल जाना भाई, फालतू का खर्चा ही होगा एकदम। क्या अरे क्या हो रहा था इसको भाई। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जैसे गुस्सा करके मेरा प्रोफेशन अच्छा नहीं लगा या फिर इसका पढ़ाई नहीं हो रहा, इसको हम लोग को दोनों को घर से बाहर निकाल दिया एक साथ में, अलग अलग। हाँ अलग अलग निकाल दिया ऑब्वियसली। और इसके बाद एक साथ भी सोचेंगे। हाँ अलग क्या है, किसका आवाज होता है तो हम लोग बोल रहे थे कि अगर दोनों को घर से बाहर निकल दिए तो हम क्या करेंगे। फर्स्ट तो भाई अगर मेरे हाथ में पैसा है तो मैं सीधे दिल्ली चली जाऊँगी कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए। हाँ तो तुम ये जाएगा जो कि जैसे निकाल दिया घर वालों ने 200-300 रुपये दे दिए इसको, ये जगह कोस्टल एरिया में। भाई अगर ना ऐसा लाइफ में सिचुएशन आएगा तो भाई कुछ ना कुछ करके मैनेज तो करना पड़ेगा ना, इससे ही तो ये सीखता है ना इंसान। छोटा छोटा काम करके छोटा छोटा चीजें करके तो इंसान आगे बढ़ता है। लोगों को तो पता ही होगा कुछ नहीं क्या करता है, इसलिए मछली उधर मेहनत मिलता है ना। खाने का रिलायबल सोर्स तो हो गया, मछली का जॉब करेगा बेचने का। सुनो ना इनकम ना ये कम से कम वो सब अंकल लोग के साथ ये वो करके उजाला करेगा। 500 रुपये तो निकालूंगा, ठीक है। इसे तीन पहले आपका बोली मैं आपका खतरनाक है, मेरा बहुत लंबा है। मैंने बोल दिया मेरा ये दिल्ली जाके अगर कुछ पैसे दे दिए घर वालों ने निकालने के साथ ही पैसे दे दिए तो मैं दिल्ली जाके कुछ ना कुछ कर लूंगी। अगर पैसा नहीं दिया फिर भी कर सकता हूँ, पैसा पहले पैसा दिया हो ठीक है तो मैं उधर जाऊँगा। तो देखा एक जन को हायर कर लूँगा, ठीक है। एक महीना दो जन को हायर कर लूँगा, एक महीना के लिए 250-250। दो जन को अपना ही काम लगाऊंगा वो पीछे, और जितना पैसा आएगा वो मुझे देगा ना। अच्छा जितना पैसा बचेगा ना उससे पहले तो मछली खरीद के खाना पड़ेगा जी, कैसे वो अलग धन वो अलग अलग जगह हो जाएगा, ठीक है। और उसे लंबा लिस्ट है गाइस इसका, उन दोनों को तो अकेले काम नहीं कर सकता है ना। ब्राइट ठीक है बोल ना। अरे वो आज हां बोल ना तू। उसके बाद क्या करेगा, एक बोट रेंट मिलेगा, बोट रेंट में मिलेगा। रेंट कितना मिलता है पता है, 10-12 हज़ार। उसके लिए 10-12 हज़ार कमा फिर बोल उतना के लिए अभी तो ले वो बाहर में जाएगा। हाँ मेरे लोग को मदद करने गए। अभी 7 बज रहे और हम लोग अभी जस्ट आए हैं वॉक से, जस्ट आए और कुछ ऐसा मतलब इतना ज़्यादा स्टेप्स हुआ था, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूँगी। काफ़ी टाइम में इतना लंबा वॉक किया एंड मेरे को भी रिलीफ मिला, काफ़ी टाइम बाद वॉक करा। तो अभी मैं बैठूंगी व्लॉग एडिट करना, आज का व्लॉग एडिट करना। तो हाँ जी गाइस आज का व्लॉग इधर एंड करते हैं। आई होप तुम सबका व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ कल, और तुम लोग ऐसे हंसते रहो।